हेलो फ्रेंड्स, नेहा की पाकशाला में आपका स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है शाही पनीर, लेकिन आज मैं आपको इसे बिना प्याज लहसुन के बनाना बताऊंगी। और आज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से शाही पनीर इस तरह से बनाना बताऊंगी कि बिना किसी परेशानी के आप इसे व्रत में भी बनाकर खा पाएंगे। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और जिसे भी आप ये शाही पनीर बनाकर खिलाएंगे उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं होगा कि बिना प्याज लहसुन के भी इतना अच्छा और इतना टेस्टी शाही पनीर बनाया जा सकता है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। हम जार में ये दो बड़े टुकड़ों में कटे हुए टमाटर डाल देंगे, दो हरी मिर्च और 1 इंच अदरक का टुकड़ा काट के लिए है उसे डाल देते हैं, 2 टेबलस्पून काजू और 1 टेबलस्पून बादाम को गुनगुने पानी में 15 मिनट के लिए भिगो दिया था और बादाम को छील लिया है, इन्हें भी डाल देते हैं। काजू और बादाम डालने से ग्रेवी थिक और क्रीमी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इन सभी चीज़ों का हम स्मूथ पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए, सारी चीज़ों से एक स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार है। अब हम अपनी शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। हम कढ़ाई में 2 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस को ऑन करेंगे, मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और तेल को गर्म होने देंगे। हमारा तेल गर्म हो गया है, गैस को लो फ्लेम पे करेंगे। इसमें आधी छोटी चम्मच जीरा डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, अच्छे से मिक्स करेंगे। हमने जो टमाटर का पेस्ट बना के रखा है वो डाल देंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को वापस से मीडियम फ्लेम पे करेंगे और इसे पकने देंगे। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इससे तेल न छूटने लगे। आप देख सकते हैं कि इससे तेल छूटने लगा है। अब हम गैस को लो फ्लेम पे करेंगे दोबारा से। अब इसमें 2 कप हम दूध डालेंगे। दूध को अच्छे से मिक्स करेंगे इसमें। गैस को हाई फ्लेम पे करेंगे और इसे लगातार चलाते रहेंगे और इसमें एक उबाल आने देंगे। आप देख सकते हैं कि इसमें उबाल आ गया है। वापस से गैस को मीडियम फ्लेम पे करेंगे और इसे बीच बीच में चलाते हुए हमें थोड़ा गाढ़ा करना है। आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रेवी काफ़ी हद तक गाढ़ी हो गई है। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच चीनी डालेंगे, 1 चम्मच अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को लो फ्लेम पे कर देंगे और इसमें पनीर डालेंगे। मैंने यहाँ पे 200 ग्राम पनीर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे। आधी छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे, इसे भी मिक्स कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे हम इसे पकने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और हमारी शाही पनीर बन करके बिल्कुल तैयार है। हम गैस को ऑफ करेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। अब हम इसे बिल्कुल थोड़े से धनिया पत्ती से इस तरीके से गार्निश कर देंगे। बिना प्याज लहसुन के और एकदम आसान तरीके से हमारी शाही पनीर बन करके बिल्कुल तैयार है। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसे व्रत में भी बनाकर आसानी से खा सकते हैं। आप इसे फटाफट बनाइए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरी ये सिंपल सी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।